और नतीजों पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। सभी सियासी दल परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। लोग कल के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव मतगणना की तैयारी जोरों पर है। 199 विधानसभा सीट के लिए प्रदेश में 2,524 टेबल्स लगाई गई हैं। प्रदेश में कुल 4,245 राउंड में काउंटिंग होगी। बैलेट पेपर की काउंटिंग से लगेगा नतीजे आने में थोड़ा समय और 36 केंद्रों पर मतगणना का काम किया जाएगा। यानी पूरे प्रदेश की जो 199 सीटों की काउंटिंग होनी है उनके लिए 36 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर मतगणना का काउंटिंग का काम चलेगा, वहीं से नतीजे निकल कर आएंगे। न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले आप तक ये तेजी के साथ सटीक तरीके से न सिर्फ जानकारी देगा बल्कि इन रुझानों और नतीजों के साथ साथ किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, किस तरह का घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर दिल्ली से लेकर जयपुर और प्रदेश के बाकी हिस्सों में सामने आ रहा है, वो सारी चीजें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच राजस्थान का संग्राम है। 2,524 टेबल्स पर काउंटिंग होगी, 4,245 राउंड में वोटों की गिनती होगी। अलग अलग चक्र होते हैं और हर चक्र के जो रुझान होते हैं वो बताए जाते हैं और फिर उन जो रुझान होते हैं वो न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचाएगा। वैसे बता दें आपको कि जो शिव सीट है उस पर सबसे ज्यादा 41 राउंड की काउंटिंग होगी। अजमेर साउथ पर सबसे कम 14 राउंड काउंटिंग होगी और ये काउंटिंग का सिलसिला जो है सुबह 3 दिसंबर को 8 बजे से शुरू हो जाएगा और शुरुआत में पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। यानी जो सरकारी कर्मचारी चुनाव के कार्य में लगे होते हैं वो पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट देते हैं, तो ये ईवीएम की काउंटिंग पहले नहीं होगी। यानी सुबह 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी और सुबह 8:30 बजे से फिर ईवीएम की मतगणना शुरू हो जाएगी। तो 8 बजे जो मतगणना शुरू होगी पोस्टल बैलेट की, पहले उसकी तरफ से रुझान सामने आएगा और फिर धीरे धीरे जब 8:30 बजेंगे ईवीएम की मतगणना शुरू हो जाएगी और ईवीएम की मतगणना के बाद फिर एक एक चक्र जैसे आगे बढ़ेगा, एक एक राउंड जैसे काउंटिंग का होगा, रुझान की शुरुआत हो जाएगी आने की। तो ये भी एक दिलचस्प जानकारी तथ्य है जिसके मुताबिक अजमेर साउथ सीट पर 14 राउंड की काउंटिंग होगी और शिव सीट पर 41 राउंड की काउंटिंग होगी। यानी उसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शिव सीट की अगर चुनाव नतीजों की बात करें, अरबाज अहमद हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जो निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग की तमाम गतिविधियों को कवर करते हैं, आइए सीधा उनका रुख करते हुए जानने की कोशिश करेंगे। तो अरबाज, सबको बेसब्री से इंतजार नतीजों का है लेकिन पहले तो रुझान ही आएंगे। 8 बजे जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, जो सरकारी कर्मचारी जो चुनाव के काम में लगे हैं उनके वोटों की गिनती होगी, तो पहले रुझान उन्हीं के क्या आने शुरू हो जाएंगे? 8:30 को जब ईवीएम खुलना शुरू होगी तो फिर ईवीएम के रुझान भी मिलने शुरू हो जाएंगे कितनी देर बाद? जी बिल्कुल, देखिए रविंद्र, राजस्थान में सभी को सिर्फ इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि राजस्थान के मतदाता ने निर्वाचन आयोग की जो तैयारी थी मतदान की, तो ईवीएम के पिटारे में और बैलेट पेपर के जरिए किसका मुकद्दर जो है महफूज किया है, और वो जब कल बाहर निकलेगा तो सब लोग उसको देख करके ये देखेंगे कि राजस्थान में आखिरकार कौन कामयाब रहा। क्योंकि देखिए कि 8:30 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर के पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, और इस बार पोस्टल बैलेट इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पोस्टल बैलेट का जो ग्राफ है वो एकदम से बहुत हाई हो गया है। मतलब आप ये देखिए कि न सिर्फ वो सरकारी कर्मचारी जो कि चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए हैं, बल्कि जो मिलिट्री में लोग पोस्टेड हैं, आर्मी में हैं, एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं, जो लोग होम वोटिंग का इस्तेमाल कर चुके हैं, वो सभी लोग जो है पोस्टल बैलेट से अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और सबसे पहले उसी की काउंटिंग शुरू होगी। 5 लाख के करीब इस बार आप ये मान करके चलिए कि पोस्टल बैलेट्स इशू किए गए थे और उनमें से उन तमाम पोस्टल बैलेट्स का क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण सीट वाइज कर दिया गया है। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों के लिए आप देख सकते हैं ये राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज के अंदर काउंटिंग शुरू होगी और यहाँ पर सबसे पहले पोस्टल बैलेट को काउंट किया जाएगा। हालांकि पोस्टल बैलेट जो टोटल वोट्स का 100% नहीं होता, तो शुरुआत में एकदम से रुझान बड़ा हो सकता है कि चौंकाने वाला हो, लेकिन 8:30 बजे बाद में जब ईवीएम को
शुरू किया जाएगा तो उसके अलग अलग विधानसभा में अलग अलग मतदाता संख्या के हिसाब से राउंड सेट किए गए। हर रूम के अंदर पूरा एक विधानसभा क्षेत्र का बाकायदा काउंटिंग स्थल बनाया गया है, उसमें टेबल्स लगाई गई हैं कि कितनी टेबल्स के ऊपर काउंटिंग की जाएगी और राउंड सेट किए गए हैं उसके वोट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए किशनपोल जो विधानसभा है जयपुर की, उसमें महज 14 राउंड के अंदर एक तरह से ये मान करके चलिए कि नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश की सबसे छोटी विधानसभा है। 1,91,000 उसमें मतदाता थे, उसमें से भी करीब 1,41,000 यहाँ पर मतदाताओं ने मतदान किया। लेकिन झोटवाड़ा जो है पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा, 4,26,000 मतदाता, उसमें से भी 3 लाख से ज्यादा का वोट, तो उसमें जो टेबल्स के राउंड होंगे, काउंटिंग के राउंड होंगे, वो ज्यादा होंगे। लेकिन निर्वाचन आयोग से जब हमने बातचीत की, जो प्रवीण गुप्ता है, उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन में एक्यूरेसी पे फोकस करना है, ना कि जल्दबाजी पे। उन्होंने कहा हो सकता है हम वक्त लगाएं, चीजों को दोबारा देखें, पहले एक बार जो है पोस्टल बैलेट्स को काउंट किया जाएगा। बहुत ज्यादा अगर नेक टू नेक फाइट आती है तो ईवीएम के बाद में दोबारा क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है पोस्टल बैलेट्स को। वो तब होगा जब सिचुएशन ऐसी हो कि वोट बिल्कुल अरीब करीब हो और प्रतिद्वंदी आपस में किसी चीज को लेकर के क्लेम करें। हालांकि सभी उम्मीदवारों को बैठने के लिए उसी कमरे में व्यवस्था होगी जिस विधानसभा की काउंटिंग के लिए उनके कमरे को यहां पर मुकर्रर कर दिया गया है। ऐसे में आप देखिए कि उम्मीदवार मौजूद रहेंगे, सभी जो प्रतिनिधि हैं राजस्थान में राजनीतिक दलों के, उनको अभी 2 बजे सचिवालय के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुलाया बैठक के लिए कि भाई मतगणना से एक दिन पहले बैठ करके उनको बताएंगे कि काउंटिंग का प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से बातचीत की जाएगी, किस तरह से काउंटिंग होगी, ट्रांसपेरेंसी किस तरह से बरती जाएगी और सारे इंतजाम क्या क्या किए गए हैं। अब देखिए कि पूरी टीम यहां पर काउंटिंग की पहुंचना शुरू हो गई है, इनका रेंडमाइजेशन होगा बाकायदा, इनको किस आदमी को किस विधानसभा पे काउंटिंग पे लगाया जाएगा ये किसी को पता नहीं होगा। 3 रेंडमाइजेशन हुए हैं इनके, जिसमें पहले इनका क्षेत्र, इनका जिला, इनका संभाग किया गया, अब विधानसभा सीट में कल सुबह 5 बजे रेंडमाइजेशन करके इनमें से कौन सा आदमी बिल्कुल किस सीट की काउंटिंग करेगा तब पता चलेगा। अरबाज बिल्कुल आप बने रहिए जयपुर से हमारे साथ, लेकिन मनीष दाधीच और अशोक सिंह भाटी, या मनीष बीकानेर से हैं, अशोक सिंह भाटी अजमेर से हैं। मनीष, इससे पहले भी राजस्थान समेत और कई चुनाव आप कवर कर चुके हैं, उनकी काउंटिंग को आप देख चुके हैं, ये जो चुनाव है जिसकी गिनती 3 दिसंबर को अब होने जा रही है राजस्थान विधानसभा की सीटों की, किस तरह की आप अलग से तैयारी देख रहे हैं, उत्सुकता देख रहे हैं, बेचैनी देख रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों को लेकर के कल काउंटिंग की जाएगी और इस काउंटिंग को लेकर के जिला प्रशासन ने, जिला निर्वाचन विभाग ने भी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। साथ ही साथ में जो पुलिस हैं उसकी ओर से भी पूरी तैयारियां, यहां पर माकूल इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। जो बीकानेर शहर में पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम में जो ईवीएम है वो कड़ी त्रिस्तरीय यानी 3 स्टेज के फेस के अंदर जो सुरक्षा पहरा है उसमें रखी गई है और कल सुबह 8 बजे यहाँ से वोटिंग चालू, काउंटिंग जो है वो चालू हो जाएगी। सबसे पहले जो है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, उसके बाद में 7 विधानसभा, चाहे बीकानेर पूरा हो, पश्चिम हो, खाजूवाला, नोखा, लूणकरण सर, इन सभी की जो वोटिंग है वो चालू की जाएगी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो बीकानेर पूरा और जो बीकानेर पश्चिम है, इस बीकानेर पूर्व और पश्चिम की जो काउंटिंग जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे की जाएगी। वहीं पर जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र की जो सीटें हैं, मतलब 5 विधानसभा जो सीटें रह जाती हैं, उन सभी की काउंटिंग जो है वो पॉलिटिक्स। अशोक सिंह भाटी का भी रुख करते हैं, अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम तथ्य दिखा रहे हैं ये कि 14 जो राउंड की काउंटिंग है वो अजमेर दक्षिण सीट पर होगी सबसे कम। हर राउंड के बाद, हर चक्र के बाद क्या रुझान बताया जाएगा वहां पे एजेंट्स को और फिर वो न्यूज 18 राजस्थान के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे? अशोक सिंह भाटी जी बिल्कुल, अजमेर की 8 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना है, सुबह 8 बजे से होगी, सभी के भाग्य का फैसला है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगा। बैलेट पेपर के साथ इसकी मतगणना शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम खुलने लग जाएगी। अजमेर दक्षिण क्योंकि सबसे छोटी यहाँ पर विधानसभा है और उस विधानसभा क्षेत्र में केवल 14 ही काउंटिंग के वो लगाए गए हैं, तो उन 14 में जल्द से जल्द जो है वोटिंग, मतलब मतगणना होनी है। ऐसे में सबसे पहले रिजल्ट उसका आ सकता है, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन चुनाव जो निर्वाचन विभाग है उनका ये कहना है कि तमाम जो पहलू हैं सुरक्षा को लेकर या
सभी जो मशीनें हैं उनको गहनता से सभी के सामने खोला जाएगा। ऐसे में समय भले लग जाए लेकिन किसी भी तरह की गलती ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो अजमेर में अजमेर दक्षिण के साथ साथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो मतगणना है वो शुरू की जाएगी। 14 से लेकर 22 यहाँ पर जो है टेबल लगाई गई है जहाँ पर ये जो मतगणना है उनका जो है ये मतगणना शुरू की जाएगी। तो अजमेर में सभी का भाग्य का फैसला, क्योंकि अजमेर में 88 जो प्रत्याशी है वो मैदान में थे, केवल 8 जो है विधायक चुने जाएंगे। तो अब 88 का भाग्य का फैसला कल 8 बजे से शुरू होने वाला है। इससे लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अजमेर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं डॉक्टर भारती दीक्षित, उनकी ओर से कल बैठक भी ली गई। तमाम जो 435 कर्मचारी हैं उनको ताकीद किया गया, उनको बताया गया किस तरह से चुनाव आयोजित कराए जाने हैं और मतगणना आयोजित कराई जानी है और किस तरह से निष्पक्षता रखते हुए ये मतगणना होनी है। तमाम जो पोलिंग एजेंट वहां होंगे उनको तमाम जो जानकारी है किस तरह से देते हुए जो पल पल की मॉनिटरिंग है उसकी वहां पर कैमरे के रिकॉर्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद अजमेर से जानकारी देने के लिए अशोक सिंह भाटी, शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए News18 राजस्थान के साथ। नमस्कार। टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार काउंटिंग का नॉनस्टॉप लाइव पूरे 100 घंटे लगातार, 200 रिपोर्टर, अनुभवी टीम, दमदार तकनीक। News18 राजस्थान दिखा रहा है महासंग्राम का मेगा कवरेज। देखते रहिए लगातार वोटों की आखिरी गिनती तक। सुप्रीम के 9000 से जाएंगे और समय पर ही लोगों को आसानी से नतीजे मिलेंगे, जिस हिसाब से तैयारियां की गई हैं इसके लिए बाकायदा सारी तैयारियों का जायजा भी लिया गया और एक ड्राई रन, एक मॉक ड्रिल जो है शनिवार को किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की कसर, कोताही, गलती होती है तो उसे ड्राई रन के दौरान आइडेंटिफाई करके बाहर किया जा सके और मतगणना वाले दिन किसी भी तरह की कोई कोताही, कोई गलती ना हो। कैमरा पर्सन नवीन के साथ में अरबाज अहमद, News18 के लिए जयपुर से। प्रदेश में मतगणना की तैयारी जोरों पर, 3 दिसंबर को आएंगे चुनावी नतीजे, रविवार सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती। 25 नवंबर से कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई ईवीएम मशीनों को 3 दिसंबर को खोला जाएगा। ईवीएम में कैद परिणाम को सार्वजनिक किया जाएगा लेकिन उससे पहले तैयारियां जबरदस्त हैं। प्रदेश के सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता कॉमर्स कॉलेज में ईवीएम स्ट्रांग रूम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। मुख्य जो व्यवस्था यहां पर आईटी का जो हमने प्रोविजन है, जिससे कि हमारा इंटरनेट के मार्फत आपने देखा होगा बीएसएनएल की लाइनें हमने लीज लाइन डाली है, एक ऑल्टरनेटिव लीज लाइन भी डाल रहे हैं। साथ में जो हमारी टीवी ट्रेंड है, इलेक्शन टीवी ट्रेंड है, वो हमारे मीडिया के जो मीडिया सेंटर होगा उसमें जैसे ही आरओ अपनी टेबल पे अगर उसको कंप्यूटर में डेटा फीड करेगा तो लाइव फीड तुरंत ही मिल जाए, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ दूरी बहुत है तो एक दूसरे को भेजने में वहाँ टाइम लगेगा। तो प्रयास है कि वहाँ टीवी लगाएंगे और स्क्रीन लगेगी और इसको रिजल्ट्स को कैसे जल्द से जल्द दिया जा सके और सही समय पर मिल सके, मीडिया को भी मिल सके, साथ में आमजन को भी। VHA ऐप है, रिजल्ट्स ECI.gov.in है, तो प्रयास यही है। और टेबलें कितनी लगनी है, कितने समय में होगा, कितने राउंड है, हर विधानसभा का अलग अलग राउंड है। प्रदेश की 199 विधानसभा सीटों के लिए 36 मतगणना केंद्रों पर 1121 ARO की ड्यूटी लगाई गई है। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सभी केंद्रों पर पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम के माध्यम से मतगणना शुरू हो जाएगी। जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो मतगणना की जाएगी वो राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में की जाएगी। पूरी व्यवस्थाओं की जो तैयारी की गई, जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित हमारे साथ में हो। सर, क्या व्यवस्था है, किस तरह से फास्टेस्ट रिजल्ट आप देंगे इस बार? देखिए, सभी जो विधानसभा है उनके लिए अलग अलग काउंटिंग हॉल्स तैयार कराए गए हैं, उसमें उनकी मशीनों की संख्या के हिसाब से हमने टेबल्स लगाई हैं। जैसे जहां पे सबसे अधिक बूथ्स हैं वहां पे अमेर, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, बगरू, सांगानेर, दूदू, इन 6 विधानसभा में 14-14 टेबल लगाई हैं ताकि यहाँ पे
राउंड्स की संख्या कम हो और बाकियों में जहां पे विधानसभाओं में पोलिंग बूथ कम है वहां पे 10 से 12 टेबल्स लगे हैं। जो मतदाताओं की संख्या जहां ज्यादा है तो वहां भी मतलब वक्त नहीं लगेगा एक तरह से देखा जाए तो काउंटिंग में? जी बिल्कुल, जैसे जहां ज्यादा है वहां पे 14 टेबल लगाई है और पोस्टल बैलेट के लिए भी अलग से टेबल लगाई है ताकि दोनों की गणना अलग अलग टेबल्स पे पैरेलली चल सके। जयपुर की सभी 19 विधानसभा सीटों पर तैयारियां चाक चौबंद हैं। इसी तरीके से अलग अलग जिलों में मतगणना की तैयारी की जा रही है, चाहे बात उदयपुर की हो या चित्तौड़गढ़ की। वहीं झालावाड़, करौली और प्रतापगढ़ में भी तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से पुख्ता कर ली गई है। भरतपुर में भी मतगणना की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हाँ, मतगणना की पूरी तैयारियां हमारे राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में कर ली गई है और हमारे चारों विधानसभाएं और उसके लिए जो हमारे समस्त व्यवस्थाएं हमको करनी है, चाहे वो 3 लेवल के सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो या उसके अलावा हम अंदर काउंटिंग रूम की व्यवस्थाएं हो या फिर मीडिया के लिए कंट्रोल रूम बनाना हो, वो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उनका 2 बार मैंने भी इंस्पेक्शन कर लिया है। उधर झुंझुनू में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। उधर हनुमानगढ़ की 5 सीटें